ऐसी बहुत सी कोट्स आपने पढ़ी या सुनी होगी और शायद कहीं भी होगी, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करते हैं या यूटिलाइज करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी जो अपने हर दिन में टाइम को सही तरीके से यूज करके अपने गोल को अचीव करने में यकीन रखते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सफल है, तो आपको टाइम के हर एक सेकंड की वैल्यू को समझना होगा और उसे सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको क्विक सपोर्ट की हेल्प जरूर मिलेगी, तभी तो हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको डेली रूटीन में ऐसे टास्क करने के सजेशंस मिलेंगे जो आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखा देंगे, और फिर आप दिन, महीने और साल के वक्त को पैसों से भी ज्यादा सावधानी और सतर्कता से खर्च करने लगेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए भी तो थोड़ा टाइम आपको देना ही होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टाइम को परफेक्ट वे में यूज करने के 7 सजेशंस। सजेशन नंबर 1 है कि एक टाइम चेक रखिए। जी हाँ, आप चाहे तो किसी क्लॉक की हेल्प से हर काम में लगने वाला टाइम चेक कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड में ही एक टाइम चेक बना सकते हैं जो आपको ये बताएगा कि आपका कितना टाइम किस टास्क में लग रहा है। क्या वो टाइम बहुत ज्यादा है? क्या आप इसे कम कर सकते हैं और बचे हुए टाइम को बाकी इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करने में लगा सकते हैं? एक टाइम चेक आपको इतने इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब बड़ी ही आसानी से दे देगा और आप समझ जाएंगे कि किस काम में आपको कितने वक्त की जरूरत है। इस तरीके से आपका टाइम फिजूल के कामों में खर्च होने से बच जाएगा। आगे सजेशन नंबर 2 है कि टाइम लिमिट को सेट कीजिए। आपको फन एक्टिविटीज पसंद हो तो ये टास्क आपके लिए मजेदार साबित हो सकता है। इसके लिए आपको अपने हर टास्क के लिए एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी और टास्क को उस टाइम लिमिट में पूरा करने को अपने लिए एक फन गेम समझना होगा, और जब आप लिमिटेड टाइम में टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उतना ही एक्साइटेड फील होगा जितना गेम में विनर बनने पर होता है। सजेशन नंबर 3 है कि टू डू लिस्ट रखिए। जी हाँ, लिस्ट बनाने के तरीके भले ही टाइम के साथ चेंज हो गए हो, लेकिन लिस्ट हमेशा से टाइम सेवर रही है। लिस्ट की हेल्प से आपको टास्क और उनका प्रायोरिटी का लेवल पता रहेगा और आप आसानी से हर टास्क को करने में फोकस्ड और मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसे में आपको चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस होने की सिचुएशन में भी आप राइट ट्रैक पर बने रहेंगे। आगे सजेशन नंबर 4 है, प्लान तैयार रखिए। जी हाँ, टाइम मैनेज करने के लिए पहले से प्लान बनाकर तैयार रखना जरूरी होता है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप एक हफ्ते का प्लान बनाकर रखना चाहेंगे या सिर्फ अगले दिन का। प्रॉपर प्लान आपको ऑर्गेनाइज्ड और फोकस बनाए रखता है और आपके काम करने के तरीके में बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके ऑफिस वर्क पर भी अप्लाई होती है और आपकी स्टडीज पर भी। आगे सजेशन नंबर 5 है कि टास्क को कैटेगराइज कीजिए। आप जानते हैं कि हमारा माइंड सुबह सबसे ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क सुबह कंप्लीट कर लेने चाहिए। जो टफ और स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अवॉइड नहीं करें और दिन में फिर कभी करने के लिए टाले नहीं, बल्कि उन्हें सुबह ही पूरा कर ले। तो इस तरीके से आप टास्क को टफ और इजी की कैटेगरीज में रखकर आप टफ टास्क को प्रायोरिटी देंगे, और ऐसा करने से आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो हट जाएगा और बाकी टास्क जो कंपैरेटिवली इजी होंगे उन्हें भी आप दिन भर में बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। आगे सजेशन नंबर 6 आता है कि एक बार में एक टास्क का फॉर्मूला फॉलो कीजिए। टाइम मैनेज करने का मतलब एक साथ सारा काम लेकर के बैठना बिल्कुल नहीं होता है। जब आप एक काम ले तो उसे पूरा करने तक उसी पर फोकस रखे। इस दौरान आपको उस टास्क के लिए फिक्स की गई टाइम लिमिट का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन अपने फोकस को यहाँ वहाँ दूसरे टास्क में भटकने से बचाना भी है। तभी आप हर टास्क को पूरे कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट कर सकेंगे और उसमें आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी साफ दिखाई देगा। बढ़ते हैं आगे सजेशन नंबर 7 की तरफ, जो कहता है कि परफेक्शन को अवॉइड कीजिए। बहुत ही मुश्किल से लाइन है, हालांकि हर कोई चाहता है, क्योंकि परफेक्शन को अवॉइड करने का मतलब केयरलेस होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस सजेशन का मतलब है कि आप अपना बेस्ट तो हर बार हर टास्क में दीजिए, लेकिन अपने वर्क का ओवर एनालिसिस ना करें। उसमें बेवजह परफेक्शन मत ढूंढते रहिए, क्योंकि ऐसा करते रहने से आप नेक्स्ट टास्क तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और एक ही टास्क पर अटके रहेंगे। इसीलिए हर टास्क को उसके लिमिटेड टाइम में पूरे फोकस के साथ करते हुए अपना बेस्ट दीजिए, और टाइम पूरा होते ही अगले टास्क की तरफ हाथ बढ़ा दीजिए, ना कि बेवजह प्रीवियस टास्क में
परफेक्शन की कमी ढूंढने में अपना वक्त जाया करे। तो दोस्तों, टाइम को वैल्यू देना शुरू करने से आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा और गोल अचीवमेंट भी काफी आसान होता जाएगा। फिर चाहे बात आपकी पर्सनल लाइफ की हो या वर्क लाइफ की, इसीलिए इन सजेशंस पर गौर कीजिए और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इन्हें अपनी जिंदगी में फिट कर लीजिए। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। साथ ही आपने प्रैक्टिकली किसी चीज को फॉलो किया है, अपने गोल को अचीव किया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो प्लीज वो क्विक सपोर्ट चैनल के साथ जरूर शेयर करें। जितने लोग पढ़ेंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा। और वैसे भी अगर हमें कुछ मिला है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के साथ भी शेयर करें, और जितना शेयर करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, और साथ ही ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।